विभाग आवंटन के होने के बाद योगी सरकार के मंत्री जो है अपना विभाग में जाके चार्ज ले रहे हैं। सुबह तय समय से 9:30 बजे से पहले ही मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, समय को लेकर खासे पाबंद नजर आए, और उसके बाद उन्होंने जो विभाग के जो कर्मचारी है उनको भी शपथ दिलाई। हमारे साथ इस वक्त दुग्ध विकास और संस्कृति अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताएं मंत्री जी, आज चूंकि कल आपको विभाग आवंटित हो गया था, आज आपको चार्ज लेना था, तो अभी आपने शपथ भी दिलाई, क्या शपथ दिलाई कर्मचारी? देखिए, 9:30 बजे मैं अपने कार्यालय आया और यहाँ आके हमारे चारों विभागों के अधिकारी मुझे लिवाने के लिए आए। मैं वहाँ PCDF के ऑफिस में हमने समस्त चारों विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को आज स्वच्छता सफाई की कसम दिलाई। दुग्ध विकास की विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली है, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ब्रज क्षेत्र से आप आते हैं, छाता विधानसभा क्षेत्र से, कभी वहाँ दूध दही की नदियां बहा करती थी, और गुजरात में श्वेत क्रांति हुई है, उसका एक मॉडल है आपके सामने, हम सबके सामने है, तो उन सब चीजों को यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू कराएंगे, दोबारा से ब्रज क्षेत्र में वो सब पुरानी जो दूध दही की जो नदियां बहा करती थी वैसी स्थिति हो, उसके लिए क्या करेंगे? हमारा प्रयास होगा उत्तर प्रदेश, जैसे पहले मैंने कृषि में, जब मेरे पास कृषि विभाग था उस समय अन्न उत्पादन में हमने प्रथम इनाम प्राप्त किया था, उत्तर प्रदेश भी निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा दुग्ध उत्पादन में शुद्धता में पूर्ण रूपेण भारतवर्ष में प्रथम राज्य होगा, ये मेरा प्रयास होगा। तो बड़ी बात इस वक्त मंत्री जी कह रहे हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से पहले जो उनका पुराना कार्यकाल था कृषि मंत्री के तौर पर, उन्होंने उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाया था पूरे भारत में, और दुग्ध विकास की जिम्मेदारी इस बार मिली है, न सिर्फ यहाँ पे जो गुजरात का जो श्वेत क्रांति थी उसके मॉडल पर यहाँ पे काम किया जाएगा, बल्कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को नंबर वन बनाया जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन अमित सहनी के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस।